नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये जो प्रकृति है, ये सभी जीवों की माँ है, माता है। ये हमें समय समय पर गाइडेंस देती रहती है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं या बुरे दिन आने वाले हैं। आप देखना, आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, या आपका काम धंधा बहुत अच्छे से चलने वाला है, या शादी होने वाली है। तमाम चीज़ों की हिंट आपको पूजा पाठ में मिलने लग जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसे शब्द ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे, ये जो घटना घटी ये तो उस व्यक्ति ने कहा था। अरे हाँ, आज दिया बुझ गया था, आज दिए की लो बहुत लंबी हो रही थी, मैंने सुबह ही देखा था और मेरा दिल खुश हो गया था। मतलब प्रकृति जो भी होने वाला है उसकी हिंट पहले से आपको देने लग जाती है। कई बार अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। आज जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ एकदम साधारण है, हर घर में ये होता ही है। तो अगर आपके भी घर में ये हो रहा है तो समझ जाइए, पैसे आपके पास आने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके पास आने की पूरी पूरी तैयारी कर रही है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें और लाइक अवश्य ही करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। हर जीव किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है, है ना? जैसे अगर हमें शनि देव परेशान करते हैं तो शनिवार के दिन कौओं को गाठिया खिलाना शुरू कर देना चाहिए। शनि देव का प्रतीक है कौआ, उनका वाहन है। बुध अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको जहां भी तोते हो वहां जाकर के चने की दाल खिलाना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे ही हर जीव किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट पर। दोस्तों, जैसे दूध, दही, घी, चीनी, ये सारी चीजें कैसी है? 14 रत्नों में से एक मानी जाती है। आपने देखा होगा पूजा पाठ में शहद से, घी से, दूध से, दही से अभिषेक करवाया जाता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, है ना? मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे शुक्रवार का दिन है, बुधवार का दिन है, चीनी जरा सी चीनी घर की उत्तर दिशा में रख दे या जमीन पर गिरा दे। जब चीनी जमीन पर गिरती है तो नेचुरली आपके घर में चींटी आती है। चींटी अगर आपके घर में काले कलर की आती है तो समझिए आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। जिन लोगों पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं हमेशा बताती हूँ घर में ग्रीन एवेंचुरियन रखें। गरीबी बहुत ज़्यादा है, घर में पाइराइट रखें। ये गरीबी को जड़ से हटा देती है। जहाँ पर भी चींटी हो, खास तौर से काली चींटी, वहाँ जाकर के आटा और शक्कर डालना शुरू कर दे, कर्जा खत्म होने लग जाएगा। जहाँ अनार का पेड़ हो उसके नीचे शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाएं या कपूर जलाना शुरू करें और अनार के पौधे की पूजा करना शुरू कर दें, उससे भी गरीबी में बहुत राहत हो जाती है, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहती है, है ना? तो एक चीज ये संकेत हमें मिलता है, अगर आप अपने घर में से चीनी डालते हैं जमीन पर और काली चींटियाँ आ जाती हैं, समझिए आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। घर में अगर काली चींटी निकल रही है, खास तौर से काली चींटी अगर मुंह में अंडे लेकर के निकली है तो तुरंत ही आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें शक्कर और आटा जरूर देना चाहिए। मिठाई अगर घर में रखी है तो मिठाई रख दे, सारी मिठाई खा करके अगर वो चली गई तो समझिए आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी। अगर आपके घर में चीनी के डिब्बे में कभी ऐसा होता है गलती से डिब्बा खुला रह गया और काली चींटियों से अगर डिब्बा भर जाए तो दोस्तों आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता।
कई जगह मैंने देखा है, चीटी, लाल चीटी, लाल चीटे, इनको पीस लिया जाता है बहुत ही बेरहमी से। कई ऐसी प्रजातियां हैं मनुष्यों में जो इनको पीस लेती हैं और इसको पीली और तुअर की जो दाल होती है इसमें इसका तड़का लगा देते हैं। वो कहते हैं कि स्वाद बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप देखना जो बस्ती इस टाइप की है, जो इस टाइप से चींटियों को खाते हैं, कभी उनके घर में आपको धन दिखाई नहीं देगा। वो गरीबी में ही जीते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। चींटियां जहां भी हो उनकी सेवा करें। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, मैंने एक इंसान के बारे में शायद मैंने किसी किताब में उनका जिक्र पढ़ा था कि उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी, पता नहीं कितने बीघा थी पर बहुत ज़्यादा जमीन थी, जो आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी जमीन वो छोड़ दे, दान दे दे। उन्होंने जमीन खरीदी और जब वहाँ जाकर के उनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया तो जब वहाँ मजदूर लोग गए और जमीन की खुदाई हुई तो पूरी जमीन में चींटियाँ ही चींटियाँ, इतनी चींटी थी कि मतलब इंसान गिन नहीं सकता, अनगिनत चींटियाँ, इतने मतलब जो जितने बीघा उन्होंने जमीन ली थी सब उसमें चींटियाँ ही चींटियाँ भरी थी। और उस व्यक्ति ने वो सारी जमीन छोड़ दी, दान कर दी, किसको, चींटियों। उन्होंने कहा मैं अब यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, मेरे परिवार के लोग यहाँ आएंगे और इन चींटियों को मिठाई है, आटा है, शक्कर है, ये देंगे। अद्भुत है ना? कुछ का कुछ लोग शायद इस बात को मान भी जाए, कुछ लोग ना भी माने, सब चीज पचाना सबके बस की बात नहीं। तो जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता चलता है कि ये क्या है, साक्षात लक्ष्मी नारायण का रूप, और उन्होंने सारी ही जमीन दान कर दी। तो अगर हम ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो जहां चींटियां दिखाई देती है वहां जाकर के आटा शक्कर जरूर खिलाए। घर में अगर ये दिखाई दे रही है तो समझिए बहुत अच्छे दिन आ गए। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।